नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बैठक में कांग्रेस ने माना 16 सीटों पर पार्टी कमजोर, कल आएगी आखिरी लिस्ट, नहीं बदलेंगे प्रत्याशी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर आज देहरादून में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी जाएगी। खटीमा, सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कल दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा पहुंचे और चुनाव प्रचार में जुट गए। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। 27 जनवरी को सीएम धामी अपना नामांकन कराएंगे। कांग्रेस नेता राजपाल बीजेपी में हुए शामिल, एमएलए देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने हंगामा कर किया विरोध। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राजपाल को पार्टी में शामिल कराया है। हालांकि राजपाल का झबरेड़ा से बीजेपी के सिटिंग विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेस में रात, कैंटी से वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट देने की मांग, लालकुआ में संध्या डाला कोटी की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस मुख्यालय में कैंट विधानसभा सीट से दावेदार रहे वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर महिला राज्य आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उधर लालकुआ विधानसभा सीट पर संध्या डाला कोटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब हरेंद्र बोरा ने भी कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबा रामदेव ने फहराया 108 फीट का तिरंगा, ओमिक्रॉन पर बोले 100% दवा तैयार। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन की दवा हमने तैयार कर ली है। आरती हत्याकांड का खुलासा, रॉन्ग नंबर से प्यार, शादी और फिर हत्या तक पहुंची बात। आरती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरती के पति को गिरफ्तार किया है। आरती ने लव मैरिज की थी। आरोपी अपनी पहली पत्नी से मिलने ऋषिकेश पहुंचा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरती का शव पिछले साल ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में मिला था। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का 18 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, डोर टू डोर करेंगे आपका प्रचार। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय आज से 18 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अलग अलग विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे, साथ ही पार्टी की जीत के लिए डोर टू डोर प्रचार करेंगे। चकराता में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद, काश्तकारों के खिले चेहरे। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कहीं मोटर मार्ग बंद है तो कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। चकराता में भारी बर्फबारी के चलते जौनसार बावर की लाइफलाइन कही जाने वाली चकराता त्यूनी मोटर मार्ग बंद है। चकराता से कोटी कनासर तक यानी 35 किलोमीटर मार्ग पर करीब 203 फीट बर्फ जमी हुई है। जहां एनएच के कर्मचारी 3 जेसीबी और 1 स्नो कटर के जरिए बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, वहीं बारिश और बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। तो वहीं जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं, जिससे आगामी गर्मियों में पेयजल की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। सीएम धामी ने खटीमा में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खटीमा भाजपा कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम धामी ने देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी में दिखी हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम की झलक। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड में उत्तराखंड की झांकी को भी शामिल किया गया। परेड में उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चांटी ब्रिज, टेरी झील और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया है। ब्रह्म कमल वाली उत्तराखंड टोपी में नजर आए, पीएम मोदी दिया ये संदेश। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की भव्य परेड चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में मौजूद है। हर विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रेस भी विशेष होती है। इस बार पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की टोपी पहनी। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों का बहाना, 700 लीव एप्लीकेशन ने बढ़ाई टेंशन। देहरादून जनपद में विधानसभा चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए 700 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने छुट्टी लेने के लिए आवेदन किया है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है, जिसके चलते मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम एससी और सेबी के फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, पूजा मलिक भेजी गई जेल। सुप्रीम कोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में पूजा मलिक गिरफ्तार कर ली गई है। पूजा मलिक को कोर्ट में पेश करने के बाद देहरादून पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोप है कि पूजा मलिक के संगठित भू माफिया गिरोह ने सर्वोच्च न्यायालय और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 100 करोड़ रुपए की भूमि का फर्जीवाड़ा कर डाला था।
-30 डिग्री में भी जोश हाई, चीन सीमा पर तिरंगा थामे हिंदवीरों का जज्बा देख गर्व करेंगे आप। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यह हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी है। उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP -30 डिग्री में भी मुस्तैद है। ITBP के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर और -30 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में DGP ने किया ध्वजारोहण, पुलिस कर्मियों और अधिकारी को किया सम्मानित। पुलिस महानिदेशक DGP अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों और अधिकारी को संबोधित भी किया और उनके कर्तव्य के बारे में जागरूक किया। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाएगा गणतंत्र दिवस, हरिद्वार जिला जेल में दिखी कैदियों की देशभक्ति। ऋषिकेश में सड़क पर फिसली युवक की बाइक, मौके पर ही हुई मौत। ऋषिकेश में मंगलवार आधी रात को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। युवक की बाइक अचानक फिसल गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हल्द्वानी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। गायिका माया उपाध्याय संभालेंगे हरीश रावत का चुनाव प्रचार, कैंपेन को देंगी सुरीली धार। रामनगर से टिकट मिलते ही हरीश रावत का प्रचार के लिए सुरीला साथ भी मिल गया। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय हरीश रावत का चुनाव कैंपेन चलाएंगी। माया उपाध्याय ने पूर्व CM हरीश रावत के ऊपर गाना भी तैयार किया है। इस गाने को पिछले साल 28 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इस गीत के माध्यम से हरीश रावत के कार्यकाल की उपलब्धि, कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को दर्शाया गया है। पुलिस ने किया अब तक की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा, DIG ने घोषित किया इनाम। चंपावत जिले में बनबसा पुलिस और SOG की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा किया है। यह जिले की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपी के पास से 29 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 53,000 की नकदी बरामद की है। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया है। चंपावत जिले की बनबसा पुलिस और SOG ने संयुक्त कार्रवाई में चोरी के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की है। चंपावत जिले में चोरी के मामले में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए जिले के पुलिस कप्तान देवेंद्र पिंचा ने मीडिया को बताया कि 12 और 13 नवंबर के बीच बनबसा बाजार में वर्मा ज्वेलर्स के यहाँ चोरी का मामला हुआ था, जहाँ पुलिस ने पूर्व में खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जल्द उत्तराखंड आ रहे अखिलेश यादव और सांसद जया बच्चन करेंगे प्रचार प्रसार। एक ओर जहां भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है और बगावत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में आप और सपा भी फॉर्म में आ गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद जया बच्चन समेत 15 सपा नेताओं को शामिल किया गया है। जल्दी जया बच्चन और अखिलेश यादव उत्तराखंड आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी खबर, लाल चौक घंटाघर पर आजादी के बाद पहली बार फहराया गया तिरंगा। आजादी के बाद पहली बार श्रीनगर के लाल चौक पर स्थानीय युवाओं ने तिरंगा फहराया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के अलावा महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। कुछ समय पहले तक आतंकियों की धमकी के कारण लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए युवा आगे नहीं आते थे। अनुच्छेद 370 हटने और आतंकियों के लगातार खात्मे के कारण स्थानीय युवा आगे आए और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लाल चौक पर बने घंटाघर के टॉप पर तिरंगा फहराया। स्थानीय युवाओं ने आतंकियों और उनके हमदर्दों को अब हकीकत दिखानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि आतंकवाद के कारण अब तक घाटी में कई लोगों की जान जा चुकी है, अब वह इसे नहीं सहेंगे। इससे पहले श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में मुख्य समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया। अप्रिय घटना से बचने के लिए श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा ग्रेड की तैनाती की गई थी। कुछ संवेदनशील जगहों पर शार्प शूटर भी तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।